देखो चर्चा की बात नहीं कर रहे ना, चर्चा तो पार्लियामेंट में बिलों पर भी हो गई थी, किस तरीके से डिक्टेट करके उन्होंने बिल पास करवा लिए। चर्चा किसानों के साथ 11 दौर की हो चुकी है, 8-8 घंटे। निकला क्या? किसान कह रहे हैं तीनों कानून वापस ले लो। देखो जिसके लिए ये कानून बने हैं, सरकार कह रही है कि किसानों की जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी इन कानूनों से, बदल जाएगी जिंदगी, वो खुद कह रहे हैं कि हमें कोई जिंदगी नहीं बदलनी, हमें पहले जैसे ही रहने दो, ये कानून वापस ले लो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार को कानून वापस लेने में दिक्कत क्या है, इसका नुकसान किसको है? इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी है जिसको नुकसान हो रहा है इन कानूनों को वापस लेने का? वो पूंजीपति है, तो 8 महीने से ज्यादा टाइम हो गया उनको, अभी जंतर मंतर पर वो संसद लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 5 जून को जब ऑर्डिनेंस आया था तब से विरोध कर रही है, संसद में भी, विधानसभा में भी, सड़कों पर भी, जब जहां जहां भी उन्होंने कहा है हमारे वॉलंटियर जो विदाउट एनी पार्टी टैग या पार्टी का कोई झंडा लिए बिना हमारे वॉलंटियर जाते रहते हैं। अभी ये अकाली दल वाले 2.5 महीने तारीफ करते रहे पूरा परिवार, जब 5 जून को कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस आया था तब हरसिमरत कौर कैबिनेट में बैठी थी बतौर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, तो तब तो साइन किए, उस दिन बाहर आ जाते ना जब ऐसे नारे लगाते, लोग इनको यकीन ही नहीं कर रहे कि पहले आप कानून बनाने वालों में, अब कानून वापस करवाने वालों में, तो ये इनका जो दोहरा चेहरा है ना वो लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मान साहब अपोजिशन के पास अगर ये मुद्दा है तो फिर डिवाइडेड क्यों है? डिवाइडेड क्यों है? मैं तो आज 6ठे दिन लगातार मैंने एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ खेती पर दिया है। अब वो जाने कांग्रेस वाले के उनके लिए राहुल गांधी का फोन जो टैपिंग है वो उसके लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है या किसान देश का अन्नदाता, ये तो उनसे पूछिए आप। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो अपना विधानसभा में दिल्ली में तीनों बिल अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ने फाड़ दिए थे कि हम ऐसे कानूनों को फाड़ के फेंकते हैं ये जो देश के अन्नदाता के लिए खतरनाक है, मौत के वारंट है। तो हम तो जब तक हमारी ताकत रहेगी विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, हम किसानों का साथ देते रहेंगे। खुद किसान के बेटे हैं और संगरूर जो है जहां से चुन के आता हूं वो सबसे ज्यादा गेहूं और अनाज अपना धान पैदा करता है पंजाब में, इसका मतलब सबसे ज्यादा किसान है मेरे पास, उन्होंने मुझे चुन के भेजा है, तो एमपी का फर्ज बनता है वो अपने लोगों की समस्याओं को सरकार के कानों और आंखों तक पहुंचाए।